विशाल जी, हम आपके साथ आज जो एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर फाइल को, हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में पूरे साल का फाइल, और पूरे साल का फाइल के हिसाब से पूरे साल का शीट तैयार कर रहे हैं। मतलब कि मुझे पूरा 365 शीट चाहिए क्रिएट करना, लेकिन 365 शीट चाहिए 12 फाइलों के अंदर कंट्रीब्यूट होना चाहिए डे के हिसाब से। जैसे जनवरी है तो उसमें 31 शीट होने चाहिए, फरवरी 28, 29, मार्च 31, इस तरह से सेपरेट होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि शीट्स, सॉरी शीट्स नहीं, वर्कबुक है ना हमारा, वर्क बुक्स डॉट एड, एक नया वर्कबुक ऐड किया, और साथ में इसको सेव भी कर देते हैं। सेव एज, कहाँ पे? तो एक लोकेशन हम ले लेते हैं जहां पे हम फाइल को सेव करेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2019। जी हाँ, 2019। इस बार फोल्डर अलग अलग नहीं करना है, एक फोल्डर के अंदर ही करना है। तो 2019 के अंदर अब फाइल नेम क्या होना चाहिए? अब हर महीने का फाइल नेम अलग अलग होना चाहिए सर। तो मैं यहाँ पे मतलब कि पहली बार क्रिएट करूं तो 1.xlsx होना चाहिए। दूसरी बार, अब इस कोड को मुझे 12 बार लिखना पड़ेगा अगर हम लूप मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले में हमारा 2 होगा, दूसरे में हमारा 3 होगा, इस तरह से। तो इससे अच्छा है कि हम इसको लूप के अंदर में डाल दें। लूप क्या करता है कि कोड को हमने लिख दिया 4i इक्वल टू, चले 1 to 12, 12 महीना तो 12 से तक चले। तो ये क्या करता है कि ये जो कोड है आपका, इस कोड को 12 बार रन करेगा। नेक्स्ट आई, तो 12 बार रन करेगा। तो फोर क्या करता है? फोर आई क्या है? आई हमारा काउंटर है। आई जैसे एक वेरिएबल है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था ना, एक्स आपको एक्स वाई जेड ए वाई एम डी बताया था, उसी तरह से आई भी एक इस तरह का वेरिएबल है जो कि फोर के लिए काउंट करता है कि वो कितना बार कोड को रन कर चुका है, और उसकी नंबर यहाँ पे रखता है। तो पहली बार आई का वैल्यू होगा 1, दूसरी बार आई का वैल्यू होगा 2, तीसरी बार आई की वैल्यू होगी 3, इस तरह से वो वैल्यू हमारा इंक्रीज होते रहेगा। तो यहाँ पे इसको कुछ अरे आई के जगह और भी दे सकते, वेरिएबल नहीं रख सकते हम आई के जगह? कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉनकेटा नेट कर दिया। तो पहली बार आई का मान 1 होगा तो ए क्या करेगा? 1 के नाम से फोल्डर क्रिएट करेगा। दूसरा बार 2 होगा तो 2 के नाम से फोल्डर फाइल क्रिएट करेगा, 2 के नाम से फाइल सेव करेगा, 3 के नाम से फाइल सेव करेगा। ऐसे 12 फाइल क्रिएट करके सेव करना शुरू कर देगा। अब मुझे उस फाइलों के अंदर उतने शीट्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि जो आई जिसको महीना मान रहे हैं उसमें दिन कितने हैं, तो उसको बनाना पड़ेगा डेट, डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिफाइन करता हूँ कि डिम dt एज ए डेट। हमने बना दिया कि dt एक वेरिएबल है, आई बिना डिक्लेयर तो डायरेक्ट वो वेरिएंट में चला गया। मैं बोला कि dt एज ए डेट, एक डेट है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि dt इक्वल टू, ये हमारा हमारा आई होगा, आई के साथ हमने कॉनकेटा नेट कर दिया स्लैश। वन स्लैश 2019। तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ना कि हमें महीना नहीं है ना, तो यहाँ अगर आप देखें इस पे, मैं इसको एक्सेल पे करके बताता हूँ कि अगर मान लीजिए महीना हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉनकेटा नेट लगा दिया इस तरह से, इसको कंबाइन कर दिया एन पर्सन से, तो पूरा डेट बन गया है। लेकिन यहाँ एक्सेल में क्या है, एक्सेल में हमारा डेट क्या है, टेक्स्ट में है, क्योंकि कॉनकेट फॉर्मूला टेक्स्ट का होता है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जो है लिख देते हैं, इसमें डेट वैल्यू का फॉर्मूला अगर हम लगा दें इक्वल डेट वैल्यू, तो इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरह का काम कर रहा है हमारा डीम डीटी एज ए डेट। एक डिफाइन करने से क्या हुआ कि डीटी पे हम स्टोर तो कर रहे हैं कि एक क्या बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, लेकिन एक कन्वर्ट कर देता है डेट में।
ठीक है। अब मुझे इस डेट से इस महीने का लास्ट दिन चाहिए, लास्ट कितने दिन है पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या करता है कि जो डेट डालोगे उस महीने की लास्ट डेट बताता है। जैसे जनवरी का डेट डाला तो 31 जनवरी दिखा दिया, और हमारे पास डे का फॉर्मूला होता है जो कि इसमें से 31 को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमें सीट कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं मैं, मान लीजिए कि डे के नाम से इक्वल टू डे, और डे के अंदर में होता है हमारा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। अब बोलो सर वर्कशीट फंक्शन क्यों लगा रहे हैं। देखिए एक्सेल के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि डायरेक्ट कवर होते हैं, कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको हम वर्कशीट फंक्शन से लेना पड़ता है। इसमें हमने DT,0 कर दिया। अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन डायरेक्ट सपोर्ट करने का। अब डे फॉर्मूला जो है, अब डे फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है लेकिन वीबीए में डायरेक्ट सपोर्ट करता है। जैसे आप डे लिख के ब्रैकेट ओपन करोगे नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला वीबीए को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ईओ मंथ वीबीए को सपोर्ट नहीं करता है। अब ईओ मंथ लिखेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आएगा। देखिए इसका मतलब इसको हम जो है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के थ्रू लेके जाएंगे। तो ये क्या किया, ये बता दिया कि इस महीना जिस महीने का फाइल ऐड हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स है। अब यहां पे मैं देता हूं कि सीट्स डॉट एड काउंट कितना, तो यहां पे सीट्स यहां पे मतलब ऐसे करना होगा डी माइनस सीट्स डॉट काउंट। हम ऐसा क्यों किया, अच्छा जब जब फाइल क्रिएट होता है तो उसमें डिफॉल्ट कुछ सीट होते हैं ना, एक सीट हो या तीन सीट हो, तो हमने बोला कि हमें उतने सीट क्रिएट करने हैं जितने महीने के दिन हैं, और उस दिन में से हमें माइनस कर देना है जितना सीट ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पे सीट एड हमने इसलिए लगाया हुआ है। तो ये 31 सीट या 28 सीट या 29 सीट क्रिएट कर देगा। अब मुझे हर सीट का नाम नंबरिंग देना है। अभी तो फिलहाल सीट 1, सीट 2, सीट 3 होगा। मैं चाहता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीट का नाम हो जाए, मतलब कि जैसे यहां पे होता है नाम इस तरह से कि ये रिनेम हो जाए 1, 2, 3 ऐसे 31 सीट है तो 31 सीट तक चलता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिए सीट क्या करना है, यहाँ पे सीट्स यहाँ पे आई करेंगे। अब सीट का नाम क्या है मुझे पता नहीं ना सर कि वो आपका आई नहीं होगा, माफ किया हाँ सीट वन, हाँ कि वो सीट वन है या सीट फोर है आई डोंट नो। तो आपने सीक्वेंस दे दिया कि पहले सीट डॉट नेम इक्वल टू वन। अब ऐसे मुझे 31, 28 स्क्रीन गायब हो गया है सर। हेलो सॉरी सर, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था। ओके सर ओके, वो लाइट जाती है ना तो मॉडेम रीस्टार्ट हो जाता है सर। तो सीट वन डॉट नेम इक्वल टू वन यहां दे दिया, तो इसको भी हम लूप के अंदर डाल देते हैं। हम लिखते हैं कि फोर जे इक्वल टू चले, अब आई नहीं दे सकते क्योंकि आई ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक माइक्रो में दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। 1, 2 हमने यहां पे दे दिया डी, मतलब जितने सीट है उतना बार लूप चले, और यहां पे हमने दिया जे और जे के नाम से हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट आई नेक्स्ट जे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक
डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हम फाइल क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने फाइल जब हमने काम कर लिया तो फाइल क्लोज कर, वरना 12 फाइल ओपन हो जाएगी। इसलिए हम एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी कोड को समझिए क्या कर रहा है। सबसे पहले इसको चलेगा, एक फाइल ऐड करेगा आई मतलब वन के नाम से, फिर वो इस जो हमने हमारा जो आई है उसके वो मंथ होगा, तो मंथ के हिसाब से डेट बनाएगा, फिर वो डेट उसके महीने के आखिरी दिन को ले जाके उस महीने के आखिरी डे को निकाल के डी पे स्टोर कर देगा। फिर हम सीट को ऐड करेंगे, कितना जितना दिन है और जितना सीट है उनको माइनस करके जो बचेगा उतना सीट ऐड करना है। फिर हम एक एक करके सारे सीट का नाम नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हम उसको नंबरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको तजेंद्र जी? सर आपने यो लूप, जब आपने लूप को लूप बोलता है तो उसके आगे फोर लगाता है ना? देखिए लूप कई तरह फोर लगाता है तो नेक्स्ट 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 लगाता है, मगर लूप को खत्म करना होगा ना। आपने नेक्स्ट बताया, जब लूप चलेगा तो हमें यहाँ पे उसको खत्म भी करना पड़ेगा ना सर, कि लूप लूप को हमने स्टार्ट किया तो उसको फिनिश करना पड़ेगा। जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं तो यहाँ सब्जेक्ट को एंड किया है ना, ऐसे ही लूप अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा। जब हमने आई ऊपर किया तो बीच में और को लूप लगा दिया, उसके बाद में लास्ट में लगा दिया नेक्स्ट टाइम। लूप दो लूप लग गया, एक लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया हमने, जैसे अननेस्टेड फार्मूला, इस फार्मूला के एक फार्मूला के दूसरा फार्मूला घुसा देते हैं, उसी तरह से हमने इसके अंदर एक और हमने लूप ला दिया। तो ये लूप क्या, ए लूप का काम क्या है, फाइल को क्रिएट करना, और इस लूप का काम क्या है कि जो फाइल क्रिएट हुई है उसके लूप से उसका नाम सीक्वेंस नंबर से दे देना, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है जी सर। इस कोड को मैं आपको मेल कर देता हूँ, चैट पे डाल देता, मेल नहीं करता हूँ सर, चैट पे डाल देता हूँ सर, मेल फिर दिक्कत हो जाएगी खोलने में, यहाँ में ठीक है सर, चैट में दे देता हूँ, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और अपना पाथ चेंज करके आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा और इस पर और भी मॉडिफिकेशन कीजिएगा। जैसे मैं शुरुआत में बताया था कि आज मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा,